हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नवनीता की रसोई। खांडवी गुजरात की एक पॉपुलर डिश है। ये खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है, ये काफ़ी हेल्दी भी होती है और इसे बहुत ही कम ऑयल में बनाया जाता है। मैं इसे और हेल्दी बनाने के लिए आज पनीर की स्टफिंग के साथ बनाने वाली हूँ। यहाँ मैंने लिया 150 ग्राम पनीर। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ नमक, हल्का चाट मसाला, थोड़ी मिर्ची पाउडर, भुना हुआ जीरा। इसी तरह हम बैक साइड से भी मैरिनेट करेंगे। पनीर जब तक मैरिनेट होता है तब तक हम खांडवी बनाते हैं। यहाँ मैंने लिया है 1 कप फेटा हुआ दही। अब इसमें 1 कप बेसन डालेंगे और विस्कर से इसको मिक्स करेंगे। अब हम यहाँ 2 कप पानी थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और एक स्मूथ घोल तैयार करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ग्रीन चिल्ली पेस्ट, 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और थोड़ा नमक और इसे मिक्स कर लेंगे। अब एक छलनी की हेल्प से घोल को छान लेंगे ताकि जो अदरक और हरी मिर्ची की पेस्ट के जो छोटे टुकड़े हैं वो निकल जाएं। अब इसे हिलाते हुए 5 मिनट तक फुल फ्लेम पे पकाएंगे। इसे लगातार चलाते रहना है, अगर बीच में छोड़ देंगे तो इसमें लम्स आ जाएंगे और खांडवी का पूरा बैटर खराब हो जाएगा। 1 उबाल आने के बाद इसे लो मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। इसे पकाते हुए 5 मिनट हो गए हैं और ये धीरे धीरे थिक होने लगा है। अभी इसे हम काफ़ी पकाएंगे ताकि ये और थिक हो जाए। घोल हमारा धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है, अभी हम इसे और पकाएंगे। इसे लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो ये पैन के तले में चिपकने लगेगा। देखिए, बैटर हमारा एकदम थिक हो चुका है और एकदम चिकना तैयार हुआ है। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं। घोल को थाली की बैक साइड में फैलाएंगे। इसको ग्रीस नहीं करना है, नहीं तो आपका बैटर ठीक से फैलेगा नहीं। यहाँ हमें जल्दी जल्दी करके फैलाना है। अगर घोल ठंडा हो जाएगा तो आप ये ठीक से नहीं फैला पाएंगे। इसको फैलाने के लिए आप या तो स्पैचुला ले सकते हैं या कोई भी ऐसा फ्लैट चीज़ जिससे आप आसानी से फैला सकते हैं उससे फैलाएं। मैं यहाँ इसे स्क्रैपर की हेल्प से फैला रही हूँ। इससे काफ़ी स्मूथ फैलता है। घोल एकदम पतला कर फैलाना है, इसे काफ़ी जल्दी जल्दी करके फैलाना है। अगर हमारा घोल एक बार ठंडा हो गया तो ये ठीक से नहीं फैलेगा। इसी तरह से हम बाकी के घोल को भी फैला लेते हैं। अगर आप थाली पर नहीं फैलाना चाहते हैं तो आप काउंटर टॉप पर भी फैला सकते हैं। इसे फैलाए हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम चाकू से देखते हैं, ये फोल्ड होने लगा है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे तो उसके लिए हम सबसे पहले 2-2 इंच के गैप पे लंबा करके कट दें। अब हम इसमें मैरिनेट किए हुए पनीर के पीसेस को लगाएंगे और फोल्ड करेंगे। अब हम पनीर को भी खांडवी के साइज का कट कर लेंगे और इसको किनारे से उठाते हुए पूरा रोल करेंगे। आप देख सकते हैं खांडवी हमारी कितनी स्मूथ बनी है, ये देखने में कितनी सुंदर लग रही है। अब तड़का लगाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा ऑयल लिया है, इसको हल्का गरम करेंगे। अब इसमें डालेंगे राई, थोड़ा हींग, करी पत्ते, थोड़ा सा हरी मिर्ची, थोड़ा तिल।
अब हम इस तड़के को खांडवी के ऊपर अच्छे से फैला देंगे। अब इसे ग्रेटेड कोकोनट से और कटी हुई हरी धनिया की पत्ती से गार्निश करेंगे और सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।